यहाँ पे जो बैठक थी और जो जनसभा थी किस लिए थी, क्या करो रहा? गत दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम साहब ने पिछले साल एक बयान दिया था निजी चैनल पर कि यूनिवर्सिटी में जात पात के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जात पात के आधार पर नंबर दिया जाता है, उसी के संदर्भ में विश्वविद्यालय ने इनसे साक्ष्य और मांगा, अन्यथा नोटिस देके कहा कि आपको इसका जवाब दे, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए से क्या कहते, प्रोफेसर विक्रम के समर्थन में सारे संगठन, छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, रेलवे संगठन, मजदूर संगठन से लेकर तमाम संगठन के साथ में आ गए हैं और पहली कड़ी में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन किया, दूसरी कड़ी में हमने हाई कोर्ट में उपवास किया, तीसरी कड़ी में हम लोग राष्ट्रपति के संबोधन में और एक पोस्टकार्ड अभियान चला रहे हैं जो हमारा संबोधन रहेगा राष्ट्रपति महोदय के लिए और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए और एसटी आयोग के लिए और मानव आयोग के लिए। ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। नोटिस आई है, उस नोटिस में एसटी आयोग ने यूनिवर्सिटी से जो है सबूत मांग रही है। जी, ये एसटी आयोग ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है जिसमें 10 दिन बीत चुके हैं और कहा कि आप इसमें अपनी स्पष्टीकरण दें अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस लड़ाई में हम आयोग की तरफ से, लड़ाई आयोग की और इनकी है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की है और लड़ाई हम पे थोपी जा रही थी। हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं, प्रोफेसर विक्रम कोई लेना देना नहीं था उसमें, वो अपनी निजी बात बोले हैं। अगर इनको, अगर ये सच्चे हैं तो 10 साल का ये जो पीएचडी होता है उसके साक्षात्कार का रिजल्ट हमको दे दे, 10 साल का दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। क्या कहेंगे सर आप जो ये मामला चल रहा है? देखिए, जैसे पत्रकारिता है, आज आप देख रहे हैं कि जो मूल निवासियों के अखबार हैं और जो आरियो के अखबार हैं वो जातवाद और पूंजीवाद के आधार पर जजमेंट दे रहे हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो जज हैं वो जातवादी और आर्थिकवाद पर जजमेंट दे रहे हैं, भारतीय संविधान पर नहीं जजमेंट दे रहे हैं। तो उसी तरह जो शिक्षा में प्रोफेसर विक्रम के साथ हुआ, ये पुनः मनुवाद और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि जो मूल निवासी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड अल्पसंख्यक मुसलमान जो पढ़ रहे हैं वो अनपढ़ हो जाए और पुनः रामराज की स्थापना आ जाए ताकि एकलव का अंगूठा काटा जाए और फिर शेड्यूल कास्ट जूता बनावे, नाली साफ करे, पढ़ लिख कर जज और वकील इंजीनियर डॉक्टर न बन पावे। इसीलिए विक्रम सिंह के ऊपर इन लोगों ने गलत ढंग से आरोप लगा रहे हैं। क्या सीधा सीधा आरोप जो है जातिवाद किया जा रहा है इलाहाबाद? देखिए, बहुत साफ सी बात है, विश्वविद्यालय में आप देखते हैं कि परीक्षा, कोई प्रत्याशी परीक्षा देता है उसके बाद उसको एक रोल नंबर अलाट होता है, रोल नंबर के अनुसार ही उसकी कापियाँ जचती हैं, नाम उसका, जाति, ये सब हटा दिया जाता है। क्यों, ये प्रश्न है ना भाई, क्यों हटाया जाता है? क्योंकि भारत में जाति स्टेब्लिश है, इसीलिए जैसे रमेश कुमार ने परीक्षा दिया तो आप रोल नंबर भेजते हैं ना, रमेश कुमार जो टाइटल होते नहीं भेजते ना, यानी आप भी स्वीकार करते हैं कि अगर नाम व्यक्ति का जाएगा तो हो सकता है जो प्रोफेसर जात रहा हो अपनी जाति धर्म का समझ के उसको अधिक नंबर दे, ये तो बाकायदे प्रयोग में हो रहा है। इसी बात को उन्होंने कह दिया, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अभी जो अभी एक साथी यहाँ बोला बीएड का कि अब साहब आपका नाम जाति धर्म लिखा जा रहा है, जब ये लिखा जाएगा तो साफ सी बात है उस तरह व्यवहार होगा। अभी आपके ही गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में क्या हुआ कि भाई कोई इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा ओबीसी और कोई वहाँ योगी नहीं मिला आपको गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में, क्योंकि उस जाति का भर्ती नहीं करना चाहते हैं। तो सच है कि भारत में जाति है, लेकिन हमारे साथी जो विक्रम के साथ इस तरह किया जा रहा है, विक्रम का इससे कुल लेना देना नहीं है। जिस छात्र ने आरटीआई मांगी है वो यूजीसी से मांगी थी, विश्वविद्यालय से उसने मांगा है, उससे लेना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं कि जो समर्थ है उसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जो जिस तरह के गरीब समाज से लोग आ गए हैं, विश्वविद्यालय में आ गए हैं, तो कैसे उनको नौकरी से हटाया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए, मामला पूरा ये है। तो हम लोग जो हैं, जो इस तरह के समाज से आते हैं, सोशल समाज से आते हैं, वो तमाम तरह के लोग जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वो तमाम लोग विक्रम के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये मामला कोई विक्रम लड़ाई का नहीं है, इस तरह से तमाम, अभी आप गोरखपुर में आपने देखा किस तरह हुआ है, तो सच है और सच कह देना ही गुनाह है। वो आह भी भरते हैं, मतलब हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मामला सिर्फ इतना है, हम रो भी नहीं सकते, कभी नहीं सकते साहब की जातिवाद के नाम पर हमको नंबर कम मिलता है, और कह देना ही समझ लीजिए अपराध हो गया, जबकि हो रहा है उस पर कुछ नहीं हो रहा, कह रहे हैं तब हो रहा है, ये भी मजेदार बात। देखिए, मांग क्या है सर? हम लोगों की मांग है कि विक्रम को जो नोटिस जा रही है वो बेवजह की हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, उनको एक मानसिक रूप से, उनको मानसिक रूप से किया जा रहा है। और विक्रम मेरा साथी, बहादुर साथी है, अम्बेडकर को फॉलो करता है, हम लोग लड़ेंगे, हारी नहीं इनसे मानेंगे।
तो सर क्या मांग है, आखिरी मांग आपकी क्या मांग? बस मांग यही है कि विक्रम सर के साथ जो हैरेसमेंट मैनेजमेंट द्वारा, प्रशासन द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है उसको तुरंत बंद कर दें अविलंब। और जो उनकी, हम लोग कहना है कि भाई आज भी यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य बैठे हैं अंगूठा काटने के लिए। बताइए जो छात्र रिटर्न टेस्ट में 100 नंबर में 80 नंबर प्राप्त कर सकता है उसका इंटरव्यू में 10 नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। और वही जो लड़का समर्ण का, जो लड़का 50 नंबर 60 नंबर पाता है उसको इंटरव्यू में 70-80 नंबर देकर उसको टॉप करा देता है वो द्रोणाचार्य। और जो छोटे गरीब पर्सन हैं, जो छोटी जात के लोग हैं, उनको जो है जो 80 नंबर पाता है रिटर्न में उसको जो है 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर देकर ही छोड़ देता है, वो बच्चा फेल हो जाता है और कहता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, इस टाइप से डिक्लेयर कर देता है। तो अपना जो है मनवादी या जो सांप्रदायिकता या जातिवादी रवैया जो है वो प्रशासन छोड़े यूनिवर्सिटी और द्रोणाचार्य को तुरंत इस टाइप से मानसिकता हटा दे, हमारी यही मांग है। और यह हरासमेंट विक्रम सर के साथ बहुत गलत हो रहा है और यह पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, चाहे BHU हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, पूरे देश के हर पैमाने पर हर जगह ये यहीं जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी ये सब हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिए हमारे संघर्ष लड़ाई है।